और दे मार्क, लेकिन फिलहाल की जरूरत नहीं है। अच्छा, इसके एंड पे जो है ना, हम टैक्स देख लेते हैं। टैक्स क्या लगे हैं, PG 20.1, ये PSI इधर आ रहे हैं जो भी बने हुए हैं, वो ऑलरेडी इस पे शो कर रहा है, सही है ना। और ये जो आगे 9.1, ये वो सेटिंग है जो बाहर से हम प्रेशर की सेटिंग जो है ना, छेड़ है जो अपने तौर से वो है, उसकी सेटिंग हो गई। वो जो हमने सेट किया हुआ है 49,550 PSI पे सेट हुआ है, तो उससे अब वो जाने नहीं देता रेगुलेटर ना। अच्छा, आगे आते हैं। अच्छा, इन दोनों के का जो कॉन्फ्लुएंस है, जहाँ पे प्रेशर बिल्ड हो रहा है, सही है, वहाँ पे एक PT लगा हुआ है। अब PT यहाँ पे कहाँ है, PT का जो टैग, एक मिनट ना, टैग से देखते हैं। PT 13.1 ये रहा, सही है। अभी ये बता रहा है कि 4,607 PSI जो है वो बिल्ड हुआ हुआ है सिस्टम में, ठीक है। PT 20.1, हर चीज़ हम टैग से लेके चलते हैं। अच्छा, उसके बाद फिर हमारे पास प्रेशर स्विचेज हैं तीन, 14.1, 14.2 और 14.3। इन प्रेशर स्विचेस का काम क्या है, ये प्रेशर स्विचेस जो है ना, ये सेट हुए हुए हैं हाई और उस पे लो पे। एक, अब जैसे बात करते हैं इसकी, ये जो है ना, ये है 14.1। 14.1 की सेटिंग जो हुई है वो हुई है 3600 PSI। अगर इसका प्रेशर लो होता है, और लो होते 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 3600 PSI तक से भी लो हो जाता है, ये स्विच जो है ये एक्टिवेट हुआ हुआ होगा, ये इसकी एक्टिवेशन रुक जाएगी, ये भी एक्टिवेट है, और ये प्लांट, ये इसके वेल हेड को ट्रिप करा देगा। इसका मतलब ये होगा सडन लॉस हुआ है, और सडन आपने लॉस से का तभी हो सकता है जब कोई पिन फोन होल नहीं हुआ किया, हुआ मैं या कोई आपका लीकेज इंतजार कर रहा हुई हूँ है, बस। लाइन पिंच हो गई है, तभी इतना लॉस होता है। तो ये हो गया 14.1। अब 14.1 को छोड़ दो, सिर्फ इन इसका दोनों को देखो, ये 14.2 और 3 जो है, ये यहाँ पे क्या काम कर रहे हैं। यार उधर चला जाना, ये काम भी तो हमने करना यहाँ है। पे हमारे पास ना ये DCVs भी लगी हुई हैं, कभी मैं फंक्शन बताता डाउनलोड हूँ कि करवाएंगे क्या ना, है। 7 से 36 करके देख ले ये टेस्ट कितना मोड पे लेने के काम आती हैं नियर अबाउट रिमोटली, है अभी तो इतने मैनुअली इसका टेस्ट मोड पे लिए हुए ना, कितना। रिमोटली टेस्ट मोड पे लेने के काम आती हैं। अच्छा, इनके बाद जो है हमारे पास यहाँ पे हाँ तो लगे उसको हुए सात से हैं छत्तीस करके डाउनलोड कर, फिर देख ले कितना। रेगुलेटर्स, ये रहे, हाँ बदरा की जैसी, ठीक है। 27 27 वोल्टेज आ रहे हैं एक्चुअल बैटरी के, सही है यार, और वो बहुत दिखा रहा है। है 28,002, वो सेट है तकरीबन 8 से 40 पे, तो उसको सेट कर लेंगे पहले। ये तो 7 से 36 करके देख वहाँ कितनी आ रही है, पहले DCS को तो मैच करें कि एक्चुअल में कितने वोल्ट आ रहे हैं, वो DCS से मैच कर रहे हैं। जो उसके बाद हाँ वो डाउनलोड स्विच कर, कौन सात सा, से छत्तीस करके डाउनलोड कर यार, वेट कर रहे हैं तेरा ही भाई मूवी। चलो खैर मैं इसका पहले बता देता वो हूँ। ये है डाउनलोड DCV, मांगेगा 7 से 36 जब आप डायरेक्शनल रेंज कंट्रोल चेंज करोगे, वैल्व, मेरे ख्याल से डाउनलोड के बगैर थोड़ी सेव करेगा वो। बोरी, ठीक है। नहीं, एक मिनट, कंट्रोल मॉड्यूल में कैसे करेगा, या तो हार्डवेयर में तो 7 से 36 करके डाउनलोड ये मांग तीन जो लेगा, लगी हुई है पांच ना, मिनट ये में हैं, लेना तेरे इनमें से को। एक UMV की है, दो SSV की है। काम कैसे करती हैं आपके सामने, जब इसको हम एनर्जाइज करते हैं ना, तो ये अपने जो उसका सर्किट है, ये इसको दोबारा 0 से 40 कर लें, सिस्टम टेस्ट मोड पे लिया अगर हुआ भाई, पक्का किधर हो गया। हमें फौरी तौर पे ट्रिप कराना है वैलेट को, तो हम कैसे कराएंगे ट्रिप, हमें सप्लाई बंद करनी होगी। हमें सप्लाई कैसे बंद करेंगे, हम सप्लाई से सॉरी बंद करेंगे कि जो DCV लगी हुई है ना, DCV सोर्स से वेल हेड, DCV तो एक्टिवेट हुई, दोबारा हार्ड चेंज ये भी एक्टिवेट हुई करके हुई है, रेंज चेंज ये करके भी दोबारा डीएक्टिवेट डाउनलोड होगी मारना है किसी भी उसमें, ट्रिपिंग क्या कॉज मसला पे, है, तो ये आ जाएगी उस पे एग्जॉस्ट पे, जल्दी कर ले। एग्जॉस्ट से ही ऑयल निकल के वापस में आके जमा हो जाएगा। जो ये प्रेशर बिल्डिंग सर्किट है वो कट ऑफ हो जाएगा, जैसे ही सारा प्रेशर वहाँ से लूज़ होगा, तो SSV और UMV फ़ौरन से बंद हो जाएंगी। अच्छा, इसी तरह से इनको जो है ना, वो हम अभी इसके दो वो इन्होंने फंक्शन दिए हैं, कि जब ये एनर्जाइज हुआ हुआ है, जब ये एनर्जाइज हुआ हुआ है तो ये डायरेक्ट कनेक्ट हुआ हुआ है, और जब ये एनर्जाइज नहीं होगा, स्प्रिंग पे आ जाएगा, तो ये एग्जॉस्ट पे कनेक्ट हो जाएगा, यानी कि ये इधर आ जाएगा, ड्रेन आ जाएगा इसका, इसी में आके जो है ना सब जमा हो जाता है, लगी पाइपिंग वगैरह लगी हुई है। अच्छा, यहाँ तो समझ में आ गया, कोई चीज़ जो ना समझ में आई हो, कन्फ्यूजन हो रही हो, नहीं ये सही PGs है, बाहर के हैं, वो जो बाहर लगे हुए हैं ना, वो सही थोड़ा है। वाले PGs हैं।
इसमें लिखा हुआ भी है कि पीजी का टैग कौन सा है, 21.2, 21.3 और 21.1। ये तो 21.1 है, 21.1 इसमें कहाँ गया, ये रहा 21.1, जो टोटल प्रेशर इस पूरे सर्किट में से निकल के आ रहा है वो शो हो रहा था यहाँ पे, जिसको ये कह रहा था ना कि ओवरऑल जो हेडर प्रेशर है वो आ रहा है। फिर इसके बाद ना ट्रिपल एस वी की लाइन, ये सॉरी यू एम वी की लाइन और ट्रिपल एस वी की लाइन ये अलग हो जाती हैं, तो फिर एक पी जी यू एम वी की लाइन पे और एक पी जी ट्रिपल एस वी की लाइन पे। इसी तरह से जैसे मैंने बताया, इसमें क्या है कि ट्रिपल एस वी जो होती है ना वो उसकी सिक्योरिटी ज़्यादा होती है, ठीक है, तो उसकी सिक्योरिटी ज़्यादा रखने के लिए जो है ना इसमें इसमें सीरीज़ में जो है ना 2 DCVs लगे हुए हैं, सही है। इनमें यानी कि इसमें 2 उसके वो आ रहे हैं फंक्शन, वो कौन सा आ रहे हैं मुझे उसके उसमें उसमें डॉक्यूमेंट में लिखा हुआ है कि 2 फंक्शन कौन से आ रहे हैं, लेकिन होता ही है कि इनमें से कोई भी एक फंक्शन अगर आएगा ना तो वो उसको डीएक्टिवेट करा देगा। बेसिकली सेफ्टी है, सेफ्टी वैसे इसमें 2 लगे हुए हैं, उसके बाद फिर इसकी भी पीजी लगी हुई है। फिर इसके बाद आ जाती हैं नीडल वेल्व्स। ये नीडल वेल्व्स जो है ना ये किस काम की होती हैं, इनका काम ये है कि हम ओपनिंग और क्लोजिंग का जो टाइम है, कितनी देर में वो वेल्व ओपन होती है, कितनी देर में वो वेल्व क्लोज होती है, हम उसको कंट्रोल करा रहे हैं। ये लगी हुई इससे अगर हम हमने इसकी सेटिंग प्रेशराइज कम की है ना तो क्या होगा कि प्रेशर ब्लीड स्लो होगा, वो खुलेगी देर से। इसी तरह से जब वो ट्रिपिंग पे आएगी तो वो ब्लीड लेट होगा तो वो बंद देर से होगी, अगर हम इसको फुल खोल देंगे तो खट से बंद, खट से खुलना शुरू हो जाएगा। ये काम उसका है, हमें ये चीज़ नहीं चाहिए, हमें एक स्मूथ ऑपरेशन चाहिए। जो वेल्व हमारे पास आती हैं ना वो आती हैं, वो हम जिस रेट से उसको प्रेशर कर देंगे ना वो उसी रेट से ओपन या क्लोज होंगी, सही है। ये कोई कंट्रोल वेल्व तो है नहीं कि जिसमें ये रुक जाए, या तो ये ओपन होगी या क्लोज होगी, लेकिन इसकी ओपनिंग और क्लोजिंग का जो भी टाइम है वो हम चेंज कर सकते हैं प्रेशर की एप्लीकेशन, प्रेशर की बिल्डअप का टाइम कंट्रोल करके, वो हम नीडल वेल्व के थ्रू करते हैं, ठीक है। यहाँ तक समझ में आ गया, अब आ जाते हैं इन 2 वेल्व्स पे, ये वाले जो डी सी वीज हैं, ये 22.1 और 22.2। ये नहीं, एक मिनट, इधर लिमिट स्विच था, ये रहा 22.1 और 22.2, ये टेस्ट मोड में लेने के लिए। अब इसमें होता क्या है कि जब हम इनको एक्टिवेट करते हैं, ये 3-way वेल्व हैं, सही है। 3-way वेल्व में होता क्या है कि हम इसको फौरी तौर पे ओपन करा रहे हैं या क्लोज करा रहे हैं या टेस्ट मोड, टेस्ट मोड का भी मैं बताता हूँ कि टेस्ट मोड पे इसमें क्या क्या कहानी है इसी टेस्ट मोड की। इसमें क्या है कि DCV अगर क्लोज भी है तो भी जो प्रेशर का बिल्डअप हुआ हुआ है ना यहाँ से वो आगे चला जाए, गेज से वो आगे जाके डायरेक्ट कनेक्ट हो रहा है इसमें। जब तक ये ऑफ है तब तक सर्किट ये वाला, इसको भूल जाओ, जब तक सर्किट ये वाला बना हुआ है, सही है। और जब टेस्ट मोड पे लेंगे ना तो सर ये पूरा निकल जाएगा बीच में से और ये से ये रह जाएगा। अब टेस्ट मोड पे इसका मकसद क्या होता है, DCV इलेक्ट्रिकली ऑपरेटेड है, सही है, गेज पे वही प्रेशर आ रहा होता है, नीडल वेल्व भी इसकी ओपनिंग और क्लोजिंग को कंट्रोल करा रही होती है, हम वो सब बाईपास कर देते हैं और हम क्या करते हैं कि हम डायरेक्ट प्रेशर यहाँ से लेके UMV को और ट्रिपल एस वी को अलग अलग दे रहे होते हैं। यहाँ पे अब लिमिट स्विच क्यों लगा हुआ है, यहाँ पे लिमिट स्विच लगा हुआ है क्योंकि ये मैनुअली ऑपरेटेड है, जब आप इसको मैनुअली घुमा के लेंगे ना तो ये लिमिट स्विच ऑन होगा और DCS को कमांड दे देगा के ट्रिपल एस वी पे या UMV पे टेस्ट मोड एक्टिव कर दिया गया।